लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेंजाइलिक अल्कोहल्स. हमें बताना है कि बेंजाइलिक अल्कोहल्स कौन कौन सी स्पीशीज है यहाँ पे, राइट. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल. बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल्स हमारे पास वो अल्कोहल्स होते हैं जिसमें जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप इज अटैच टू. OH ग्रुप किससे जुड़ा रहता है? इट अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन. OH ग्रुप किससे जुड़ा हो? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग. एरोमेटिक रिंग के बगल में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा उससे जुड़ा हुआ OH बनाता है क्या? हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल. तो पहला बेंजाइलिक अल्कोहल ये हुआ हमारे पास. दूसरे क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे तो प्राइमरी था. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इस पे क्या लगा रहे, मिथाइल ग्रुप लगा रहे, ये पॉसिबिलिटी है. ये जो यहाँ पे ये कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है ना, तो किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हमारे पास OH जुड़ा हो और इसके एक तरफ क्या हो, हमारा एरोमेटिक रिंग हो, तो वो हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि हमारे पास इस पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हों. ये भी हमारे पास क्या हुआ? एक बेंजाइलिक अल्कोहल, क्योंकि ये जो कार्बन है ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके बगल में हमारी एरोमेटिक रिंग है और इसके और इससे अटैच हमारा OH ग्रुप है, तो ये भी हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल है, ठीक है. तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे? एक तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बी और सी करेक्ट हो जाएगा, राइट. बी एंड सी विल बी करेक्ट. अगर ध्यान से हम ए को देखें तो हमारे पास जो बेंजाइलिक कार्बन उसके बगल वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा. और इसमें देखें तो बेंजाइलिक कार्बन जो है उसके बगल वाले कार्बन, राइट, उसके बगल वाले कार्बन पे OH है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा. बेंजाइलिक अल्कोहल तब बोलेंगे बेंजीन रिंगो, राइट. बेंजीन रिंगो किससे अटैच? एक कार्बन एटम से अटैच्ड, उससे OH भी अटैच हो और ये जो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी हम उसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.